इस समय पूरा उत्तर भारत लू के थपेड़ों से जूझ रहा है। दिन में आसमान से बरसती आग और रात तक उमस भरी गर्मी ने सबके पसीने छुड़ा दिए हैं। इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली में भी गर्मी अपने चरम पर है। यहां बीते दिन पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नींबू पानी और ठंडी चीजों का सहारा लेते दिखे। आइए जरा सुनते हैं यहां की जनता का हाल। भैया गर्मी इतनी है भाई साहब, पब्लिक आधे से आधे जनसंख्या मेट्रो में चल रही है, एसी बस में चल रही है, ऑटो में कोई बैठना नहीं चाह रहा भाई इस टाइम। और प्लस पानी इस टाइम हद से ज्यादा पब्लिक पी रही है, और पानी की व्यवस्था भी रोड पे होनी चाहिए। जैसे कि मटके में जो पानी होता है वो ठंडा होता है, इसी तरीके से हर 1 किलोमीटर पे या 2 किलोमीटर पे उसकी रेंज में पानी का मटका होना चाहिए, साथ में 2-4 मटके हों, जो कि कोई अगर रुके, किसी को प्यास लग रही है वो रस्ते में रुक के पानी पी सके। बहुत ही गर्मी है और बहुत ही नॉर्मल लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इससे, और बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो रहा है वेदर। और कुछ करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, सो दैट कुछ एनवायरमेंट वगैरह से हमें भी कुछ रिलीफ मिले और इतनी गर्मी ना हो। 42 है आज मेरे ख्याल से, 46 है टेम्परेचर आई गेस, तो बहुत ही गर्मी लग रही है और कुछ होना चाहिए इसके बारे में। गर्मी तो घर में तो गर्मी वैसा महसूस नहीं हो रहा, बट बाहर निकलने पे गर्मी काफी महसूस हो रही है, सीधा एकदम मुंह पे एकदम लू लग रहा है बहुत ज्यादा। हाँ। हम देख पा रहे हैं कि इंडिया गेट के पास भी बिल्कुल सन्नाटा सा, एकदम सन्नाटा सा है, पर इतना सन्नाटा रहता नहीं था, मतलब अभी गर्मी के टाइम में काफी सन्नाटा दिख रहा है। उधर राजस्थान में भी भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और हीट वेव का असर तेज हो रहा है। दिन के अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते दिन प्रदेश के 8 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री से अधिक पहुंच गया, तो वहीं 16 शहरों में दिन का तापमान 45 डिग्री के पार हो गया। सबसे अधिक दिन का अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि देश में सबसे ज्यादा तापमान बताया जा रहा है। अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो पूरे देश में दूसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में भी जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से 46 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हो रहे हैं। हीट वेव और कहीं कहीं सीवियर हीट वेव का यह दौर राजस्थान में अगले कम से कम एक सप्ताह तक जारी रहेगा, यानी आने वाले दिनों में भी तापमान में विशेष उतार चढ़ाव नहीं होगा। पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी यदि बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भाग, जयपुर और भरतपुर कोटा संभाग के कुछ भागों में भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होंगे। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, यानी कि हीट वेव के साथ साथ कुछ इलाकों में वार्म नाइट की कंडीशन भी है, यानी कि दिन में गर्मी के साथ साथ रात्रि में भी जो है वो तापमान सामान्य से ऊपर है, तो ऐसी परिस्थिति अभी भी आने वाले दिनों में बनी रहेगी। कितनी तारीख तक अपन मान के चलें कि गर्मी का जोर रहेगा? देखिए ये जो हीट वेव का स्पेल शुरू हुआ है अभी कम से कम एक सप्ताह तक जारी रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ तापमान में गिरावट या बदलाव होने की फिलहाल संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो स्पेल है वो यूँ कह सकते हैं कि एक लॉन्गर और इंटेंस स्पेल है, तो एक लंबा दौर रहेगा हीट वेव का, कम से कम एक सप्ताह जो है वो हीट वेव कंटिन्यू रहेगा। एक तरफ जहां भगवान भास्कर की प्रचंड किरणों के तेज से उत्तर भारत में गर्मी का जलजला जारी है, तो वहीं दक्षिण भारत बाढ़ की मार झेल रहा है। इस बीच केरल का तिरुवनंतपुरम जिला 18 मई से लगातार हो रही बारिश के चलते भारी जलजमाव से जूझ रहा है। जिले के निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है। नहरों के उफान पर होने से जिले के कई हिस्से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि 24 घंटों में 6 मीटर से 20 मीटर तक बारिश होने की संभावना है। बताते चले कि मानसून के प्रवेश से पहले ही IMD ने दक्षिण भारत के राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं कर्नाटक में 20 मई से तेज बारिश की संभावना बन रही है। उधर उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू के बीच अगले 5 दिन तक दिल्ली समेत 9 राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। ऐसे में फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में तो उत्तर भारत को प्रचंड गर्मी से और दक्षिण भारत को झमाझम बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। मौसम से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।